समुद्री तल से ऊंचाई 206.70 मीटर, छोटी सी टनल है ये, हमारी फेमस राजधानी, उसके अंदर का बड़ा इंजन। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस, आज हम लोग आए हैं द रेल ट्रांसपोर्ट म्यूजियम, जो कि पड़ता है चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली में। इसकी लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये म्यूजियम में आपको इंडियन रेलवेज की हिस्ट्री और पहले के ज़माने में कैसे इंजन्स होते थे, कैसे कोचेज होते थे, उन सब के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। आप लोग ज़रूर आ सकते हैं। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है मोती बाग, और अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ, एम्बेसी ऑफ फिलीपींस के एकदम अपोजिट में पड़ता है ये। इसकी कॉस्टिंग है एंट्री टिकट 50 रुपीज़ एडल्ट की, और चिल्ड्रन की है 20 रुपीज़। और अगर मैं बात करूँ जॉय ट्रेन की, तो उसकी टिकट है 20 रुपीज़ पर पर्सन। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं। अभी मैं आ चुका हूँ म्यूजियम जंक्शन पे, और हमारी ट्रेन यहाँ पे आ चुकी है। वो देखो जॉय ट्रेन। इस ट्रेन की पर पर्सन कॉस्ट 20 रुपीज़ है। गाइस, ये ट्रेन आई थी 420 पे, और अभी हमें ड्राइवर साहब ने कहा है कि 440 पे जाएगी फिर से, तो अभी ये यहीं पे खड़ी और कोई भी नहीं है। यहाँ पे एकदम स्टेशन जैसा बनाया है, इधर समुद्री तल से ऊंचाई 206.70 मीटर। सो गाइस, चलिए अब म्यूजियम के अंदर चलते हैं। यहाँ पे इसका रिसेप्शन है। सो गाइस, अभी मैं अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे फ्यूचर बुलेट ट्रेन इन इंडिया का मॉडल है। EMU कोच भी है। ये देखो भाई, इतना ब्यूटीफुल है ये, अलग अलग तरह के कोच, और यहाँ पे तो बुलेट ट्रेन भी है। मुंबई लोकल। और 90s में ये कोच स्लीपर के बहुत ही कॉमन होते थे, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये AC के स्लीपर कोचेस, पहले की राजधानी भी इसी कलर की होती थी, और नीचे डबल डेकर, नॉन एसी है ये भी। और ये पहले का एग्जीक्यूटिव सैलून कोच, जो कि बॉम्बे, बड़ौदा और सेंट्रल इंडियन रेलवे में यूज होता है, कालका, शिमला। ये नैरो गेज ट्रेन का कालका शिमला फर्स्ट कम सेकंड क्लास कोच, नैरो गेज में चलते थे ये कोच, कालका शिमला। और ये सर्वेंट रूम। और गाइस, ये हमारी फेमस राजधानी एक्सप्रेस का पुराने कोचेस, एयर कंडीशन में 3 टायर कोचेस। यहाँ पे अंबाला चेन्नई GT एक्सप्रेस का सीटिंग अरेंजमेंट भी दिखा रखा है, यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट। बैंगलोर न्यू दिल्ली एयर कंडीशनर्ड सेकंड क्लास। अब तो राजधानी बहुत डेवलप हो चुकी है, ये पुराने कोचेज हैं। और यहाँ पे LHB कोच के ब्रेकिंग सिस्टम का भी पूरा सेटअप है, दिस इज जस्ट फॉर डिस्प्ले, स्पीड सेंसर यूनिट, सब कुछ है। और ये ट्रेन में जो हॉर्न यूज़ होते हैं, एयर हॉर्न, 3 अलग अलग तरह के यहाँ पे दिखाए हैं, ब्रेक सिलेंडर, ब्रेक पाइप, एयर फ्लो इंडिकेटर, टर्बो जनरेटर, मेन सर्किट ब्रेकर।
यहाँ पे स्टीम लोको WP7397 का मॉडल है और उसी के नीचे स्टीम लोको BLR55G क्लास। तो ये म्यूज़ियम ओवरऑल बहुत ही अच्छा है, इसमें पूरी हिस्ट्री, पहले कैसे कोचेस थे, पहले कैसे इंजन्स थे। और गाइस, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जिस ट्रेन का इनॉग्रल हुआ था वो भी यहाँ पे है, वंदे भारत एक्सप्रेस। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। सो गाइज, अब हमारी जॉय ट्रेन चल चुकी है, काफ़ी एडवेंचरस राइड है ये। ये जॉय ट्रेन पूरा आपको पार्क का टूर देती है कि बेसिकली है क्या, कैसे कोशिश है। के पुराने लोगो हैं, साउंड एकदम पूरा जैसे ट्रेन पहले चलती थी वैसा आ रहा है, काफी अच्छा है ये एकदम। आपको वही ट्रेन वाली वाइब आ जाती है इसमें, कॉस्टली भी नहीं, एकदम सही है। ट्रैक रिकॉर्डिंग कार, ट्रैक है बहुत ही छोटा सा, टॉय ट्रेन के लिए भी छोटी सी टनल है। कैफेटेरिया भी है लेकिन अभी ये बंद है ड्यू टू सम रीजंस, आई थिंक कोविड की वजह से ही बंद है। नीलगिरी कोच, यहाँ पे हमारी एक छोटी सी जर्नी का एंड हो चुका है।
सो गाइज अभी जॉय राइड करने के बाद अभी मैं पैदल ही आ चुका हूँ यहाँ का पूरा कैप्चर करने। यहाँ पे इतने बड़े बड़े इंजन्स हैं मैंने आज तक नहीं देखे, इस म्यूजियम में देखने मिल रहे हैं। बिधान इंजन और इनकी मशीनरी तो अलग ही है भाई, देखी नहीं मैंने। लुक एट दिस मैसिव इंजन, कितना बड़ा है यार। यहाँ पे एक इंजन खड़ा है जॉन फॉलर एंड को कंपनी का, और इसको आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ये जॉन फॉलर से इंपोर्ट किया गया था और इसकी पूरी कॉस्ट 5,936 रुपीज़ थी। पहले ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती थी लेकिन अब तो कुछ नहीं है, बट पहले के ज़माने में 5,900 मतलब करोड़ों, आज के ज़माने में अगर बात करूँ तो। इंजन इंपोर्ट किया था, उसके अंदर का आप देख लीजिए, यहाँ पे मशीनरी, RPM, तो गाइज यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का 922EM इंजन खड़ा है जो कि रीबिल्ट हुआ था 1941 में लू वर्क्स मोगलपुरा। बहुत ही बड़ा इंजन, एकदम बहुत सुंदर लग रहा है 922EM। और ये पूरा म्यूजियम ही बहुत सुंदर है, इसमें आपको इतनी क्लासिक चीज़ें दिखेंगी, इतनी ओल्ड चीज़ें दिखेंगी जो प्री इंडिपेंडेंस इंजन, प्री इंडिपेंडेंस जो भी हमारे कोचेस थे, सब कुछ यहाँ पे आपको। और इसके टाइमिंग्स हैं सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक, और टिकट की एंट्री 4:30 बंद हो जाती है। तो आप लोग ज़रूर टाइम निकालिए और आइए विज़िट कीजिए, बहुत ही सुंदर बनाया है ये म्यूज़ियम। और यहाँ पे हम फिर से आ चुके हैं म्यूज़ियम जंक्शन पे, एकदम आपको एक रेलवे स्टेशन वाली फील मिलेगी, फ्रेश वाटर आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे बहुत ही सुंदर इन्होंने वॉल आर्ट कर रखा है, यहाँ पे अमिताभ बच्चन की मूवी का भी सीन है, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। यहाँ पे जब भी मेट मूवी का भी सीन है, शाहिद कपूर और करीना कपूर वाला। सो गाइज यहाँ पे जॉन मॉरिस का फायर इंजन भी है जो कि 1914 में जॉन मॉरिस एंड सन्स ने बनाया था। इसकी मैक्सिमम स्पीड 40 mph है। वीडियो पॉज करके आप सभी चीज़ें पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे एक गाइड मैप भी है पूरा म्यूजियम का कि कहाँ पे क्या चीज़ है। सो गाइज ये था हमारा पूरा द रेल ट्रांसपोर्ट म्यूजियम। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये म्यूजियम। और ये म्यूजियम की कॉस्ट बहुत ही कम है, इतनी कम कॉस्ट में आपको इतना अच्छा डिटेल से देखने को मिलेगा, पुराने ज़माने के इंजन्स, कोचेज और किस तरह ब्रेकिंग सिस्टम होता था, ये सब जानकारी आपको इस म्यूजियम में मिलेगी। तो आप लोग अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर आइएगा, इसकी कॉस्ट बहुत कम है और वर्थ है, आप लोग जरूर आइए। तो चलिए अब मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।